थैंक यू सो मच सर। और देखिए, खास चीज यही थी कि ऑब्वियसली आई वाज इंजर्ड और मैं इंजर्ड था, और खास चीज जो यही थी कि वो मुझे हार्डवर्क था मेरा, जिसना मैंने पहले भी मेंशन किया बहुत सारे इंटरव्यूज में कि मैंने अपना हार्डवर्क जो है वो नहीं छोड़ा। मेरा एम यही था कि मैंने वापिस आना और वापिस आके परफॉर्म करना। वापिस आने का मतलब ये नहीं है कि वापिस आए, मैच खेले और फिर चले गए। तो मेरा एम यही था, मेन एम यही था कि मैंने वापिस आके जो है वो परफॉर्म करना अपनी कंट्री के लिए, अपनी टीम के लिए, और अल्हम्दुलिल्लाह जिसमें अल्लाह ताला ने आज मुझे इज्जत दी। हसन, सलाम अलैकुम। शाहिद हाशमी बोल रहा हूँ हाँ मैं। जब आप इंजर्ड थे, 1 साल से ऊपर तकरीबन बिल्कुल भी नहीं खेले, कितना मुश्किल वक्त था वो, और किसने इंड्यूस दिया, किसने कॉन्फिडेंस दिया कि नहीं हसन, तुम में इतना है कि तुम्हारा करियर यहाँ पे खत्म नहीं होना चाहिए, तुम इंजरी से ओवरकम करके वापस आओ और कायदे आजम ट्रॉफी खेलो। देखिए शायद भाई, बहुत टफ टाइम था मेरे लिए, और मैं आपको क्या बताऊं कि किस तरह मैं उसको बयान कर रहा। जो मैं उस जहां वापस नहीं जाना चाहता कि आप इंजर्ड हो, आप एक घर में बैठे हो, ऊपर से कोरोना हो तो, और आप बाहर भी नहीं जा सके, तो मेरे लिए बहुत टफ टाइम था। बट आई रियली वांट थैंक्स मेरी वाइफ जो ऑलवेज विद मी और मुझे मोटिवेट करती रही। फिर मेरे जो बड़े भाई हैं उन्होंने मुझे बहुत मोटिवेट किया, उन्होंने मुझे एवरी डे मुझे बोलते रहे कि तू कम बैक करेगा, कम बैक करेगा। फिर उसके बाद जिसना मेरे कुछ सीनियर्स प्लेयर थे, शुएब मलिक से मेरी जो बात होती रही, शुएब भाई ने बहुत सपोर्ट किया, और स्पेशली थैंक्स पीसीबी जिन्होंने मुझे जो है हर जगह पे मुझे सपोर्ट किया, मुझे मेरे रिहैब के लिए मुझे बाहर भेजा और मेरे साथ बात करते रहे, मेडिकल पैनल जितना भी है हमारा। तो इन ये लोग थे जिन्होंने मुझे बहुत मोटिवेट किया। और स्पेशल थिंग जो थी वो मेरी खुद की थी कि मैंने हार नहीं माननी, मैंने जो है वो एफर्ट करनी है, मैंने फिट होना है और वापिस आना है। आई स्टिल रिमेम्बर कि मैं एक दिन में चार चार बारी रिहैब करता था, और आई थिंक वो चीज जो चीजें आपको मोटिवेट करती हैं कि आप वापिस आए, तो वही था कि मैंने अपना हार्डवर्क जो है वो उसको अपने हाथ से नहीं जाने दिया। उमर एंड देन खालिद खान। हसन, बैक ऑन द गेम, लंच पे जाने से पहले ज़ाहिर है साउथ अफ्रीका जो थी वो टॉप पे थी और काफी ज़्यादा होप थी कि साउथ अफ्रीका गेम यहाँ से ले जाएगा। ऐसा क्या टर्न अराउंड हुआ ड्रेसिंग रूम में जाके लंच टाइम में? क्या ऐसा वकार ने बोला या क्या मिसबाह ने या क्या ऐसा मोटिवेशन आया कि वापस आके आप लोगों ने रैप अप किया? बिल्कुल, वो हमारे टॉप पे थे, साउथ अफ्रीका हमारे से ऊपर थी बिफोर लंच, और जब लंच में ब्रेक हुआ तो विक्की भाई ने बात की कि यहाँ पे जो है वो गिव अप नहीं करना और जस्ट कीप हिटिंग द बॉल इन राइट एरिया। और हमारा वही प्लान था कि हम एक जगह पे बॉलिंग करें, क्योंकि बॉल फास्ट बॉलर का ऊपर नीचे हो रहा था। तो और मेन की यही थी कि जहाँ जितने भी आउट हुए हैं आप देख लें, वो स्टंप टू स्टंप हुए हैं। तो हमारा विक्की भाई ने यही बोला था कि नेवर गिव अप, कीप ट्राइंग, और अगर वो अच्छा खेल के जीत के ले जाए तो उनको वेल प्लेड है, अदरवाइज जहां पे एक विकेट मिलेगी वहां पे एक के साथ एक जरूर मिलेगी। तो वही हुआ कि एक राइट एरिया पे बॉलिंग की, और ऑब्वियसली हम वेट कर रहे थे नए बॉल का कि नए बॉल से कुछ ना कुछ होगा, और बिल्कुल नए बॉल से तो बहुत कुछ हो गया है। और विकी भाई ने यही बोला था कि जस्ट कीप हिटिंग ऑन द राइट एरिया। हसन अस्सलाम वालेकुम। शुक्र भाई। हसन अस्सलाम वालेकुम, खालिद फ्रॉम डॉन। वालेकुम हसन, सलाम। ये बताओ कि आपने शुरू में अपने सुबह जैसा आपने स्टार्ट किया, माशाल्लाह 2 बोल रहा हूँ, उसमें आपने 2 विकेट ले ली, फिर 4 ओवर का स्पेल करा के आप हट क्यों गए थे? कोई कोई मतलब आपको कोई फिटनेस का मसला आ रहा था, क्या था? देखिए सर, ये एक टीम गेम है, ये कोई मेरे एक हसन अली की क्रिकेट टीम नहीं है कि हसन अली ने जो गेंद में पैसे डाले हुए और वही ओवर करता जाएगा। एक स्ट्रेटजी होती है टीम की, उस हिसाब से बिल्कुल 4 ओवर गए थे, मैंने 2 विकेट्स ली थी, और फिर उसके बाद जो हमारा प्लान था कि हम स्पिनर्स को वापस लेके आए, क्योंकि 2 विकेट्स हमें मिल गई है, उस स्पिन के लिए बहुत कुछ था, अनलकी रहे हमारे स्पिनर्स, उन्होंने इस तरह आउट नहीं की है। तो एक प्लान के तहत जो है वो बॉलिंग हो रही थी, ऐसा फिटनेस में कोई नहीं। आप अभी से मुझे दोबारा 5 दिन का गेम जो है वो खिला ले, मैं रेडी। वालेकुम वालेकुम हसन। सलाम सर। हसन, काफी बातें हो गई आपकी परफॉर्मेंस पे। आपका एक अपना एक अंदाज था सेलिब्रेट करने का, वो जनरेटर आप मतलब ऑन करते थे, अब देख रहे हैं कि वो एक झूला जो है वो झूल रहा है, मतलब वो ऐसा लग रहा है कि बच्चे को गोद में लिया। थोड़ा सा इसको एक्सप्लेन कर दें कि ये है क्या, क्योंकि लोग बहुत पूछ रहे हैं कि ये हसन अली ने क्या जो है ये कोई नया अंदाज इख्तियार कर लिया सेलिब्रेट करने का, जरा इस पर देखिए एक्चुअली सेलिब्रेशन स्टाइल मेरा वही और वही रहेगा। द थिंग इज के अल्लाह ताला मुझे जो है वो बेबी देने वाले हैं वेरी सून इंशाल्लाह। तो मुबारक वाइफ जो हो। है मैच देखने आई हुई है, और आई स्ट्रॉन्ग बिलीव के उसी बेबी की वजह से जो है ये अल्लाह मेरे पे रहमत कर रहा है। तो
वो जस्ट जो मेरा बेबी ड्यू है, माय बेबी इज ऑन द वे, तो उसी का है बस, उसी को जो है वो क्रेडिट गोज टू माय बेबी और वाइफ, क्योंकि मैच देखने आ रही थी तो वाइफ को भी खुश करना पड़ता है, आपको पता होगा। चले, बहुत मुबारक हो, बहुत बहुत मुबारक। थैंक यू सो मच। जी आरफा प्लीज। ठीक है रजा भाई, मेरा क्वेश्चन हो गया, थैंक यू। ओके जी शाकिर एंड देन मुदस्सिर, लास्ट टू क्वेश्चन प्लीज। शाकिर आपको आवाज आ रही है, मुदस्सिर आपको? जी आ रही आवाज। हसन भाई पहले तो आपको मुबारकबाद 10 विकेटों की। मैं जानना चाह रहा हूँ कि एक से बढ़कर एक विकेट थी, आप कोई एक विकेट बताएं जिसको हासिल करके महसूस हुआ कि अब हम जीत की तरफ गामजन हो गए। देखिए मेरे लिए सारी विकेट जो है वो बहुत इम्पोर्टेंट थी, और इसलिए इम्पोर्टेंट थी कि हमें एज ए टीम विकेट चाहिए थी। बट आई थिंक जो एक सुबह अर्ली मॉर्निंग आते मैंने जो बोल्ड किया उसको, और उसके बाद जो उनके कैप्टन है डिकॉक की जो विकेट है वो बहुत की विकेट थी, क्योंकि डिकॉक ऐसा प्लेयर है उनका कैप्टन के जो आपके टर्न अराउंड कर सकता है विद इन सम टाइम। तो आई थिंक की विकेट ये दो मेरी की विकेट होंगी, क्योंकि ये एक तो सेट प्लेयर खेल रहे थे कल से, और दूसरा जो है वो आते ही आउट हो गया और साउथ अफ्रीका पे ज्यादा प्रेशर आ गया।